गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म इज सुटेड टू लिव इन अ हैबिटेट एंड मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ प्लेस्ड इन अनदर कंटेनिंग कंट्रास्टिंग हैबिटेट। ये हर एक ऑर्गेनिजम्स का अपना क्या होता है, एक हैबिटेट होता है। ठीक है, आपको पता है जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म का अपना क्या होता है, एक हैबिटेट होता है। उसके बाद अगर उसको हम क्या करें, किसी और कंट्रास्टेड या फिर और कहीं पे भी हम उसको क्या कर दें, उसको शिफ्ट कर दें उस ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, उसको बोले कि भाई आप किसी और जगह पे रह लो, तो क्या वो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा? अब अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, उसके बाद आपको बोल दिया जाए कि आप क्या करो, अब कहीं और मतलब पोलर रीजन्स पे भेज दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप वहाँ पे रह लोगे पोलर जोन्स पे, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं ना। तो क्या, डू यू थिंक द पोलर बियर विल बी एबल टू सर्वाइव इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? कि अगर हम पोलर बियर को ले आएँ और उसको कहाँ छोड़ दें, रेन फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दें, तो क्या वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? कैन मैपल एंड ओक ट्रीज ग्रो वेल इन हॉट डेजर्ट हैबिटेट्स? कि जो मैपल और ओक ट्रीज थे जो हमने स्टडी किए थे पीछे, कि क्या इनको, क्या ये हॉट डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज जो कंडीशंस इनकी सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पोलर बियर को क्या है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, सॉरी लो टेम्परेचर है वहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब उनको लेके आओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई। ठीक है, तो उस टेम्परेचर में पोलर बियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म पोजेस सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन दोज हैबिटेट्स। कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है उनके अंदर अपनी कुछ, जिससे वो क्या कर, जो हेल्प करती है कि इसको हेल्प देम टू लिव इन दोज हैबिटेट्स, कि वो क्या कर सके, उस हैबिटेट में रह सके। ठीक है, द स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इनेबल दैम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। कि जो उनके अंदर जो स्पेशल फीचर्स होती हैं, जैसे पोलर बियर के अंदर क्या होते हैं, जो उसकी स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, थिक फर होती है उसकी स्किन के अंदर, तो उसके अंदर क्या एक स्पेशल फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एंड हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इनेबल दैम टू सर्वाइव, और उसके अंदर ऐसी ही हैबिट आना स्टार्ट हो जाती है जो उसको क्या कर सके, उसकी हेल्प कर सके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में। ठीक है, लेट अस स्टडी सम ऑफ द अडेप्टेशन इन प्लांट्स एनिमल टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या, कौन कौन सी अडेप्टेशन जो एनिमल्स को हेल्प करती है उसको सर्वाइव करने में किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर। फर्स्ट देखो, एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट, कि जो डेजर्ट में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो देखो उनके लिए एडेप्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, के एनिमल्स में कौन से फीचर होते हैं और प्लांट्स में कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट देखो एडेप्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स हैव एडेप्टेड टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। रूट्स इन मोस्ट प्लांट्स आर लॉन्ग सो दैट गो डीप इन टू द सोयल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। कि हॉट प्लांट्स जो प्लांट्स मिलेंगे ना कहाँ, डेजर्ट के अंदर, उनके फीचर्स कैसे होंगे, क्योंकि जो रूट है ना वो कैसे होंगे, बिल्कुल लॉन्ग होंगे। ठीक है, लॉन्ग क्यों होंगे, कि वो क्या कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सके, वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एबसेंट, वेरी स्मॉल और रिड्यूस टू स्पाइंस और टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। ये जो हमारे प्लांट्स हैं ना, जो हमारे डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके जो लीव्स होती है ना, या तो इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है, या फिर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल साइज होता है, या फिर कैसी होती है, रिड्यूस टू स्पाइंस, किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ताकि उनके अंदर से क्या ना हो सके, लॉस ऑफ वाटर ना हो सके, ठीक है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टाई आर मोस्ट प्लांट फाउंड इन डेजर्ट। कि देखो जैसे कैक्टस होता है ना, तो इस टाइप के प्लांट्स कहाँ मिलते हैं, ऑलमोस्ट डेजर्ट के अंदर, के जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस। सम ऑफ द मॉडिफिकेशन इन अ कैक्टस प्लांट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट देखो, स्टेम्स आर ग्रीन इन कलर एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। कि स्टेम्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में, और किसके लिए, प्लांट्स के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, फूड। स्टेम्स आर स्वोलन टू स्टोर फूड। कि इनका स्टेम्स कैसा होता है, स्वोलन होता है, और क्या स्टोर करता है, ये फूड, वाटर को स्टोर करता है, सॉरी, बिकॉज वहाँ पर डेजर्ट में क्या है, वाटर की डेफिशिएंसी है। स्टेम्स हैव ए वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। कि इसकी जो स्टेम्स की जो कोटिंग होती है ना, वो वैक्सी लेयर होती है, उसमें से क्या नहीं होता, फिर वाटर का लॉस नहीं होता। ठीक है, लीव्स आर रिड्यूस टू नैरो स्पाइंस टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन एंड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। की प्लांट जो लीव्स है प्लांट्स की, वो कैसी होती है, नैरो होती है। ठीक है,
रिड्यूस टू नैरो स्पाइंस, कि उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं स्पाइंस, टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फॉर प्रीडेटर्स, कि प्लांट्स को क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके, कहाँ से, किससे, प्रीडेटर से. रूट्स गो डाउन डीप इन टू द सोयल इन सर्च ऑफ वाटर, कि रूट्स कहाँ चले जाते हैं, सोयल के अंदर, किसमें, किसकी सर्च में, वाटर की सर्च में. नेक्स्ट, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन होती हैं. देखो, डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स, कि जो एनिमल्स की क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की एडेप्टेशन होती है, किसके लिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए. एनिमल्स के अंदर अलग फीचर होंगे, प्लांट्स के अंदर अलग फीचर्स थे. तो फर्स्ट, मोस्ट स्मॉल एनिमल्स सच एज कंगारू, रैट्स एंड इंसेक्ट्स डिग ब्यूरो एंड स्टे देयर ड्यूरिंग द डे टू एस्केप द हीट ऑफ द सन, कि जैसे यहाँ कंगारू रैट्स होते हैं यहाँ पे और इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जमीन के अंदर ब्यूरो कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं वहाँ पे, जैसे स्नेक का होता है ना, ऐसे ये भी क्या कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं, सोयल को डिग करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब भी क्या होते हैं, जब ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है सन की, उस टाइम पे कहाँ चले जाते हैं, उस ब्यूरो के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. और जब ये नाइट टाइम होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. स्वेट ग्लैंड्स इन मोस्ट डेजर्ट्स एनिमल्स आर आइदर एबसेंट और रिड्यूस्ड टू स्पाइंस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कि जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं ना, कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, एबसेंट होती है या फिर बिल्कुल कम होती हैं. क्यों होती है कम, बिकॉज अगर स्वेट ग्लैंड्स होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, हमें प्यास लगेगी, फिर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी को. मोस्ट डेजर्ट्स एनिमल हैव थिक स्किन विद लेस फर ऑन देयर बॉडी टू कीप देमसेल्व्स कूल, कि कुछ एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, थिक होती है, और उसके बॉडी पे फर क्या होते हैं, बिल्कुल लेस होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी बॉडी को क्या कर सके, कूल रख सके. दीज एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट एज सॉलिड पीलेट्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी सॉलिड होता है, उसमें भी वाटर का रिमूवल नहीं होता. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट. सम ऑफ द एडेप्टेशंस दैट हेल्प्स ए कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट आर गिवन बिलो. आपको पता है डेजर्ट का जो मेन एनिमल है कौन सा है, कैमल. तो कैमल क्यों वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, इसकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे क्या एडेप्टेटिव फीचर्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्या है, आईलैशेज आर लॉन्ग टू अवॉइड सैंड एंड डस्ट फ्रॉम गेटिंग इन टू आइज, कि इसकी आईलैशेज होती है ना, वो बिल्कुल कैसी होती है, लॉन्ग होती है, किससे, प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इसके अंदर जो आइज के अंदर क्या ना जाए, सैंड ना जाए और डस्ट ना जाए, ठीक है. नेक्स्ट, नोस्ट्रील्स कैन बी क्लोज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स फॉर प्रोटेक्शन, कि नोस्ट्रील्स को यार क्या रखता है, अपने को क्लोज रखता है जब क्या होते हैं ज़्यादा सैंड स्टॉर्म के आंधी भरे वहाँ पे तूफान आते हैं ना, उस टाइम पे सैंड के स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है. लीव्स आर थिक टू हेल्प इट ईट द थोर्नी डेजर्ट प्लांट्स, कि लीव्स कैसे होते हैं, इसके थिक होते हैं कि ताकि क्या कर सकें, जो मतलब थोर्नी प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उनको भी ये क्या कर सके, ईजिली ईट कर सके. इसकी जो लेग्स होती है, लेग्स कैसी होती है, लॉन्ग थिंग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स ऑफ ए कैमल कीप इट बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, ये क्या कर सके, इसकी बिल्कुल लॉन्ग होती है ना इसकी लेग्स, ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपनी बॉडी को, किससे, हॉट सैंड से. फिट आर वाइड, इसके फिट क्या होते हैं, वाइड होते हैं, सो दैट इट कैन ईजली वॉक ऑन सैंड, कि ये सैंड पे इजली वॉक कर सके, ठीक है. ये क्या होता है, इसका हम्प, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर करके रखता है, फूड एंड वाटर स्टोर करके रखता है ये हमारा कौन, कैमल, ठीक है. ये क्या होती है, इसकी स्किन कैसी होती है, लैदरी होती है, और प्रोड्यूस लिटल स्वेट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, की उसकी बॉडी से कम वाटर का लॉस हो तो उसकी स्किन कैसी होती है, लैदरी, ठीक है. तो ये एडेप्टेटिव फीचर्स थे किसके लिए, जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, डेजर्ट के अंदर, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स की जो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं.